What's up, बारी हमारी अगली कंटेस्टेंट की, जिन्हें आशा है कि एक दिन लोग इन्हें इनकी आदर्श आशा भोसले की तरह वर्सटाइल सिंगर मानेंगे. द ठंडी ठंडी कूल कूल गर्ल फ्रॉम देहरादून, चारू सेमवाल. गो फॉर इट चारू, ऑल द बेस्ट. शुरू में जिस तरह से आपने गाया था, जो आपकी आवाज़ थी या जो आपने उसमें भाव दिया, वो सीरियस लग रहा था ज़रा सा. बाद में आपने अंतरे में उसे संभाला है, लेकिन बिगनिंग में दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, वो जेन्युइन लाइन लग रही थी. कि आप जैसे एक उदास गाने में या एक तड़प का, जो जेन्युइन तड़प का गाना हो, उसमें ये लाइन जिस तरह गाई जाए, आपने इसे इस तरह से गाया था. उसमें शरारत का एलिमेंट ज़रा कम था, और होता तो और अच्छा लगता. Thank God I agree with Javed Saab on this. क्या हो रहा है? हाँ, थोड़ी यानी कि मस्ती कम लग रही थी, वरना आपने गाया बहुत अच्छी तरह से, लेकिन a little more, you know, spark, a little मस्ती, a little, you know, शरारत, as he said, वो थोड़ी कमी थी. आप वैसे परफॉर्म और आंखें ऐसे बना रही थी, लेकिन आवाज़ से वो बात नहीं निकल रही थी. तो I think just work a little harder. She's almost all there anyway. Very all there. Very good. Wow. बहुत ही effortless singing थी, और जो अदा चाहिए इस गाने के लिए बिल्कुल सही था. Thank you sir. थ्रो बहुत ही खूबसूरत था. Thank you. ऐसा लग रहा था कि क्या easy गा रही है गाने को. मुझे ऐसा लगता है कि 1 to 5 में आप definite आएंगी. Oh, thank you sir. ये पहली बार होने वाला है कि टॉप 5 में कम से कम 9 आदमी होंगे. तो वो टॉप 5 को अभी भी हम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रखते हैं. चारू, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ दीज बॉयज वांट टू नो, आप ऑब्वियसली कभी ना कभी शादी करेंगी, यू फाइंड समबडी यू नो वांट टू स्पेंड योर लाइफ विद. आप अपने आइडियल लाइफ पार्टनर में कौन सी क्वालिटीज ढूंढ रही हैं? मैम, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है. कुछ भी, व्हाट काइंड ऑफ यू नो, आप किस तरह के क्वालिटीज ढूंढती हैं? अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग, या और पैशनेट. पैशनेट, एम्बिशियस. ओके, एम्बिशियस. या ये तो बहुत ही रेयर क्वालिटी है जो लड़कियां ढूंढती हैं. आई मीन इट्स वंडरफुल. सो उनकी एम्बिशन आपकी एम्बिशन से मैच करनी चाहिए. और क्या, गुड लुक. जो शादी करना चाहेगा वो एम्बिशियस ही होगा. किसी काले हफले
और यहाँ ऑडियंस आपके लिए इतनी ताली बजा रही है, इनकी आवाज में भी फर्क आ गया है। She just came alive. यहाँ पर बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ती, I think ना? You're looking absolutely smashing. Electrified. और गाना भी आपने क्या लाजवाब गाया, बहुत ही fantastic. और I think दिन ब दिन ये चमकती जा रही हैं, getting better and better and better. Exactly. Superb. Thank you. उदित जी, इस गाने में बहुत नमक है ओरिजिनल में, क्या आपको वही नमक नजर आया? आपका नाम चारू है? जी सर। मैं तो कहूंगा कि चारों तरफ आप छा गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, जो एक इंडियन आइडल में परफॉर्मेंस होना चाहिए वो परफॉर्मेंस किया आपने। थैंक यू सो मच सर। बेस्ट। थैंक यू। देखिए, गाना इन दोनों का बड़ा पॉपुलर गाना है और पिछले एपिसोड्स में भी ये गाना बहुत लड़कियों ने गाया और बहुत अच्छा भी गाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी इतना अच्छा नहीं गाया था जितना आपने आज गाया। Oh my God, thank you so much, sir. You have a very gentle personality. शुक्रिया। लेकिन ये आप कहाँ से इतनी आग ले आई कि जिगर तक जाने से पहले ही ब्यूटी जलने लगी। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड। और एक और बात मैं अलीशा आपसे कहना चाहूंगी, जैसे कि चारू ने कहा कि हर अपने गाने के लिए अकॉर्डिंगली ड्रेस करती हैं, यू नो शी गेट्स अ लुक आउट, जो काफी हेल्प करता है इनकी परफॉर्मेंस को, राइट? फायर लग रही है ना। प्यारे 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 बिना लागे नहीं मारा जी हरे, शरारती ईमान, वेल डन, वेरी वेल डन। क्या कहते हैं जजेस? बहुत अच्छे, शाबाश। He is fit for the top five, definitely. लेकिन आज थोड़ी आप जल्दबाजी कर रहे थे, you are too much in a hurry to get there. But excellent, very good. Thank you, ma'am. Top five, not bad, man. Top five, बहुत आगे तक पहुंच गए आप। ये गाना बहुत मुश्किल गाना था और इतना जबरदस्त गाया इस लड़का ने कि लोग बोलते थे कि सोनू निगम की तरह चेहरा है, लेकिन सोनू निगम की तरह गाते भी हो। अरे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है इवान आपके लिए। इंडियन आइडल 15 अगस्त 12 से 12, ग्रेटेस्ट फिनाले एवर, सोनीपत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।